बिस्मिल्ल रही असल मैं हूँ सैबिक आजम मेरी तरफ से आपको जुम्मा मुबारक अल्लाह पाकिस्तान का ये जुम्मा मुबारक करे सबसे पहले अहम आएम खबरें आई एम एफ को खत इमरान खान का और वजह भी बता दी खत क्यों लिख रहे हैं और आई एम एफ का जवाब भी आ गया डायरेक्टर जो जूली को जैक उसने रिस्पॉन्स किया है कि ये क्या करेंगे छः अरब डॉलर का कर्ज देंगे या नहीं अमरीकी कांग्रेस से नाजायज हुकूमत को तस्लीम करने के इनकार आने शुरू हो गए कांग्रेसमेंस की तरफ से और इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर जो मामला है तफसील में आपके सामने रखता हूँ क्या हुआ किस वजह से हुई अब क्या हालात के हैं अगला टारगेट कौन है और तफसील से आज मैं इनका पोस्टमार्टम भी करूँगा जनरल रानी साहिबा का और कुछ लोग जो बड़े दानश्वर पीपल्स पार्टी और पी टी आई का मशवरा दे रहे हैं बैठने का कि खान सरप्राइज़ देंगे हुकूमत बनाएंगे ये मामला क्या है इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों के नोटिफिकेशन बहाल कर दिए और कमिश्नर ऑलपिंडी का बयान कहाँ तैयार हुआ ये मैं आपको बताता हूँ अगली पाकिस्तानियों की लड़ाई अब इंटरनेट पे होगी इमरान रियाज की गिरफ्तारी की वजह से मेरी आवाज़ शायद ले जा थोड़ा तलख हो एडवांस में आपसे मोजरत लेकिन बड़ा जरूरी मामला है और ये सबसे पहले मैं इसी की बात करूँ पंजाब यहाँ सरदार महान सिंह का बेटा महाराजा रंजीत सिंह गुजरा में पैदा होने वाला जाटों की बरादरी से चीचक से एक आंख उसकी मुतासर थी कहना था माई मलवेन का बेटा पढ़ा लिखा नहीं था ये हुकूमत करता रहा हिंदुओं में जिस उस वक्त हिंदुओं में खतरी और ब्रहमनों में ब्रहमन और सादात उस वक़्त पढ़ते थे लेकिन ये लड़ाई झगड़े की तरफ मायल था इसने हुकूमत बनाई लाहौर में सत्रह साल की हुकूमत सत्रह साल की उम्र में पंजाब फतह किया उस वक़्त भंगी सरदारों की हुकूमत जो हर वक्त भंग के नशे में मस्त रहते थे इसने अफगान बादशाह जमान शाह को बाद में उसकी फ़ौजों को हराया लाहौर पर कब्ज़ा किया अठत्तीस साल छिहत्तर दिन हुक्मरान रहा इसके बाद अगर किसी ने लंबी हुक्मरानी की तो वो जाना पांडी की औलाद इस शख्स का नाम रमज़ान और जहाना पांडी अमृतसर की गलियों में ये गाने बजाने वालियों की फूलों और कलियों के हार बेचने वाले दुल्ला हारा वाला का बेटा इसकी मैं तारीख़ आपको बता रहा हूँ जयाओ्लाख हिंदुस्तान के दौरे में उस वक्त सदर ज्ञानी थे जेल सिंह उससे जब मिला तो नवाज शिफ ने तारुफ़ करा साथ ही था उसका तारुफ जब करवाया सदर ने जयाल्लाख ने कहा कि ये अमृतसर से हैं तो उसने कहा तुम शरीफा टंडा वाले के बेटे तो नहीं नवाजशिफ ने सारा लाया फिर जेल सिंह ने उस वक्त इसके दादा और परदादा का जिक्र किया ये बड़ा ज़रूरी है आपको थोड़ा तारीख बताना नवाशी साहब ने अपनी ख़ानदानी हिस्ट्री चूँकि जाहिर है अब जबरदस्ती और चोरी की हुकूमत का मैंडेट करेंगे तो फिर ये सारी मालूम तो आपको देनी है ये जहाने पांडे और दुल्ला हराम वाले की रूह आज बड़ी खुश होगी कि इनकी जनरल रानी पंजाब के चोरी और डाके का माल बांटते हुए किस तरह गुल्लू बटों के दस्ते में गार्ड ऑफ आनर कनीज़ों के झुरमट में फूलन देवी आज बाऊ का इंतकाम लेने महाराजा रंजीत सिंह की याद ताज़ा कराती रही पंजाब के सिंहासन पर राजकुमारी बनने का अपोजिशन को कुचलती हुई कलेजों में हाथ डालती हुई भारतीय डिजाइनरों के नए नए काम नए नए कपड़े बनाए हुए लाखों करोड़ों की ज्वेलरी और कपड़े प्लास्टिक लगा के मुंह पे दाएं तरफ बैठी हुई खातून जिसकी अहलियत कि नवाज शेख की वालदा को बीमारी में उनकी गंदी शलवारें सिर्फ धोती थी रफाए हाजत के लिए उनको टॉयलेट तक लेके जाती थी तेमारदारी करती थी बाएं तरफ वाली खातून की एहलीत ये थी कि उसके वाले ने पाकिस्तान के लोगों के दिन दिहाड़े लाहौर में शहीद करने वाले कातिल लोगों की वकालत के लिए रेमन डेविस को छुड़वाया राजकुमारी फूलन देवी बचपन से अथरी हैं, मनमानी हैं, हालात आपके इनके तालीम में पता है ज़बरदस्ती स्कूलों कॉलेजों में मेरिट की धजियाँ उड़ा के दाखले लेती रहीं घर जिस तरह बसाया वो भी आपको पता है बेटे का घर जिस तरह तबाह किया वो भी आपको पता है आज तक वो इतना नाराज है सामने नहीं आता बाप की सियासत खागी खानदान में नफ़रतें बढ़वा गई गंदी ऑडियोज और वीडियोज का स्टॉक जो खुद इकरार करती रही पूरा निज़ाम मफलूज करके ना तालीम ना तजर्बा जिंदगी में कोई काम नहीं किया जिस तरह कलीम अख्तर ने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया लेकिन वो पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करती थी क्योंकि उसके पीछे जनरल जया खान था ये बता इसलिए रहा हूं यह खातून है और आज पाकिस्तान की जेलों में बेगुनाह खवतान कैद हैं जिनके हक छीने अवाम ने जिस तरह फिर ने छीना नमरूद ने छीना यजीद ने छीना जबरदस्ती बैत करवाता रहा ओ सितम के पहाड़ गिराते रहे आज ये वही कर रहे हैं ये वो जालिम ख़ानदान है जिन्हें बेनज़ीर भुटो के हाथ पैर बांध के घटिया जबान इस्तेमाल करके उस वक्त भी सहाफियों को कोड़े मारते रहे और बाप इसका दो तिहाई अक्सरियत ले गया मार्शल आ के दौर में ये बजाय जेल में रहने के ज़ाली मकबूलियत थी भाग गए आज एक दफा फिर फौज के टाउट बनकर ये बेनज़ीर का मुकाबला करते हुए जिस तरह मुशरफ के मार्शल आह से भागे अमरीका से डील की मैदान में वापस आए फिर आज जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत बना के उस वक्त जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी गई दो हज़ार तेरह में हुकूमत बनाई आज फिर डील की और खान की हुकूमत गिरा के बाू जी की तस्वीर में पार्लियामेंट में जिस तरह डंडा दिया हुआ तस्वीर में बाऊ जी की सियासत में भी इन्होंने हकीकत में डंडा दे दिया है डंडा देने से मराद असल डंडा गुलू बाटा तशद कर रहे हैं बाहर सुनी तहत के लोगों को मार रहे हैं पंजाब इसम्बली के बाहर और एक म वतम का बाजार गर्म है मखसूस नश्तें इन्होंने जो तहरीक से इसलिए छीनी कि सनम जावेद और बाकी ख़्वीन मखसूस नशतों पर आए ना ये तहरीक लेती वखसूस नशितेंदाजा करें कि सोच और इतकाम के बंदर के हाथ जिस तरह माचिस लग जाए पूरा पंजाब इसी तरह अब जलेगा खुदा ना लेकिन ये पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे लेकिन इनकी तकरीर जो तीन घंटे एडिट करवा के जारी करवाई गई अब हवाई जहाज़ों की सर्विस शुरू करने की बात करती हैं इन्हें बुजदार बुरा लगता था लेकिन प्लास्टिक की पून देवी ले आए बारह जमत पास डफर और इन्होंने लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हैं जो लोग अब नहीं डर रहे जुल्म सह रहे हैं अब लोगों के अंदर डर और खौफ यकीन करें खत्म हो चुका है एक दफा पी एस एल के फाइनल में जाए तो सही जरा पूरे स्टेडियम में जब इन्हें नारों की आवाज़ आएगी तो ये फिर मैं उनसे पूछूंगा कि हा वजीआला है ये लोग में माने हैं पाकिस्तान के लोग आप जाएं स्टेडियम में यकीन करें जाएं और वहां पर जाकर आवाज़ लगाएं जो आवाज लगानी है आपको पता है लेकिन ये एक बात याद रखें इमरान खान ने कहा था कि जिस तरह ये हमारी तहरीक इंसाफ की टीम की बारवां खिलाड़ी होगी ये वही होगा इन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम ठीक और हलाल नहीं किया बहुत से झुकने वाले लोगों की गर्दनों का तोक जनरल रानी के हाथ में होगा फिलहाल तो ईस्ट इंडिया आपको पता है हिंदुस्तान की आईटी की सन्नत का जवाब ऐसे ही दे रही है कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे वो कमिश्नर का भी किया साफियों को अगवा करना उनके अहल खाना पर म सितम करना इमरान रियाज का ईमानदार वालिद उसका नाम भी करप्शन में डाल दिया ये दो साल में इमरान रियाज की सातवीं दफ़ा गिरफ्तारी कुछ दिनों से ये लोग आपको पता है हम सारे इलेक्शन में मसरूफ इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ तक नहीं उठाई जा रही इनके हौसले बुलंद हो गए बुशर बीबी को पहले जैर आलू खाना दिया मैंडेट पर डाका डाला अब इमरान रियाज और साहफियों पर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ फैला लेकिन खुदा की कसम अब पाकिस्तान की आवा नहीं डरती आवाम इन्हें लगता था थक के बैठ जाएंगे जिसमानी तौर पे लोग थक जाते हैं इसमें कोई शक नहीं इंसान है गोश पोष के बने हुए लेकिन सोच नहीं थकती दिमाग नहीं थकता लिख कर बोल कर वीडियोज़ बना के इस तहरीक को लोग जगाएंगे और अब इंटरनेट पर लड़ाई होगी ये चाहे पी एस एल लगाएं या चाहे जो मर्जी कर रहे हैं जिस तरह बेनज़ीर नजीर जिसन मरी थी अगले दिन बलोचस्तान की किसीदाकारी टी वी पर सिखा रहे थे अब पाकिस्तान चीज़ों से आगे निकल चुका है इमरान रियाज की गिरफ्तारी का मामला अगर मैं आपको बताऊँ ये हलफ उठाने से पहले आई जी पंजाब के साथ मरियम नवाज़ का फैसला था एक पैगाम पंजाब को देना था कि अब हुकूमत फूलन देवी की आ चुकी है जिस अंदाज में इन्होंने गिरफ्तारी की खातन बग़ैर खवीन एहलकारों के घरों में छापा मोबाइल छीन लिया उसके घर से वहाँ खुतन से बदतमीजी और जिस तरह मर्द भेज कर घरों में इस डर और खौफ में मुबतला करना कि हम तुम्हारे घरों में तुम्हारी खवतानी पर हाथ डालेंगे जो बोलेगा उससे चौधरी ग़लम हुसैन याफ हमीद भट्टी की तरह नौकरी से निकालेंगे जो सोशल मीडिया पर आएगा इमरान रियाज की तरह गिरफ्तार कर लेंगे अब तक तो रिपोर्टरों को कल तक समझ नहीं आ रही थी कि गिरफ्तारी किस थाने में किस एफ किस वजह से हुई लाहौर पुलिस ने गिरफ्तारी की है सूबे से बाहर आए एफ आई ए है सी आई ए एफ या कौन लोग हैं भाई कल से इमरान रियाज की गिरफ्तारी की खबरें पहुँच चुकी थी सबके पास लेकिन जिस तरह इन्होंने अब ये काजी फायज के नाम पर यह था कि उन, उनकी हुरबे हरमती के नाम पर शायद हो लेकिन काजी फायज साहब ये मामला बरास अपने पर लेना नहीं चाहते और इमरान रियाज ने भी मजबी मामले पर बड़ा एहतियात से मौकफ़ दिया ये उलमा का काम है अब उस मामले में गिरफ्तार कर नहीं सकते थे सोलह से अठारह डाले वर्दी में और बगैर वर्दी में पालतू लोग घर में घुस घुसरे मतलब जिस तरह ढाका में बंगालियों को फतेह करने जा गए थे ये लोग एंटी करप्शन का केस उन्होंने बनाया जो जमीन और फार्म हाउस इमरान ने खरीदी जो कम कीमत दी अब तीन घंटे समात के बाद जुडिशल रिमांड अब हर चीज उनकी कानून के मुताबिक है जायदादों के सबूत है लेकिन हसद और जलन है ये जो इमरान के घोड़े देखते हैं उसकी ताजा तरीन वीडियो देखते हैं जलन और हसद है इन लोगों के अंदर खुद ये सारी जिंदगी हराम कमाते हैं अगर कोई हलाल की कमाई से अल्लाह किसी को रिस्क दे दे इन्हें यकीन नहीं आता आवाज़ बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ और अभी मजीद साफियों पर भी क्रैकडाउन होगा मैं तो समझता हूँ सदीक जान को सबसे पहले पिशावर निकल जाना चाहिए क्योंकि पंजाब अब सेफ नहीं है सीधी सी बात है अब यहाँ पर यह अथरी खातून है अब इमरान खान ने भी आज जो बात की उसमें भी आप देखें खुवातन के हवाले से ही जो आई एम एफ का खाता है इसमें भी यही वजह थी इमरान खान ने जो आई एम एफ को खत लिखा मैं आपको उसकी वजह आगे चल के बताता हूँ लेकिन असल वजह यही थी और ये खत अभी आज शाम तक चला जाएगा लेकिन असल मामला तक कर्ज़ मिला तो वापस कौन करेगा इमरान खान को तो पता है इन्होंने कर्ज जो है वो ले लेना है सरमाकारी होनी नहीं गुर्बत बढ़नी है कर्ज़ बढ़ना है मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा नहीं तो कर्ज देंगे कैसे अच्छा आई एम एफ हो सकता है कर्ज़ दे दे ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसकी वजह ये न्यूक्लियर हथियारों की धमकियाँ देंगे कि हम वरना बेच देंगे इसको अब इमरान खान इस वक्त इनसे ज़्यादा ब़बर है ये भी याद रखें खान के रबते भी मौजूद है और ये खान तक तहरीक तक ये खबर पहुँच चुकी थी जिस वजह से सारा मामला हुआ कि मखसूस नश्तों में खवतान की यह नशस्तें जनरल रानी छीनने जा रही है नहीं देंगे ये सनम जावेद की वजह से ये डाका था बहुत बड़ा और जब्त का दामन खान के हाथ से इसीलिए छूटा ज्यादती की हद है देखा खान ने तो हमेशा कहा मुझे रिहाई नहीं चाहिए मैंडेट चाहिए ये मखसूस नश्ते आवाम का मैंडेट था इन ख़ातिन का जो जेलों में बेगुना दस महीनों से सबूतें बर्दाश्त कर जिनके कारोबार घर बार तबाह जिनके घरों में जनाजे उठे जो अपने बच्चों से अहले ख़ाना से दूर इस म और फसाइत की चक्की में पिस रही हैं उनका हक था इन्होंने जो औरतों के हकूक़ के मामले में देखे ख़ान भी बहुत हसास है इन्होंने वो दुखती रख दबाई और हमें मुझे भी सख्त इस पर घुसा चढ़ा हुआ है ये नशिस्त ले के कौमी असेंबली में देखे उन्होंने पहले नून लीग को सत्रह से एक सौ सत्रस्त बना के मैंडेट छीना फिर तहरीक इंसाफ से दो सूबों और वफाकी हुकूमत छीन ली अब मखसूस नश्तों में जो उनका हक हाँ था इन खावन का जो जेलें काट रही हैं तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं उन्हें उनके हक़ हाँ से महरूम कर दिया और बदले में उन कनीज़ों को उन गुलामों को तरजीह दी जा रही है जो इनके हैंड बैग उठाते हैं इनकी लस्सी के गिलास पकड़ते थे इनकी काफ़ियाँ इनके मसाज के लिए साबुन शैम्पू और इनके लिए खिलौनों का इंतज़ाम करते रहे बैर गुसल खाने के बाहर तोलियाँ पकड़ खड़े रहते ये वो मखसूस नश्तों पर आने वाले तमाम लोग नज़र आ रहे हैं इसी तरह आई एम एफ का कर्जा भी उसी के साथ जुड़ा हुआ आई एम एफ का कर्जा मिले तो इन्हीं लोगों के या तो ब्यूरोट्स को डबल वैगन गाड़ियाँ वी एट या पेट्रोल दे देते हैं सारा गनमैन पकड़ा देते हैं जो इलेक्शन में आपको गदर में चाहते हुए नज़र आते हैं जितनी तबाही बर्बादी इन असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर लोगों ने की और निगरान हुकूमत में अभी भी देखें सिंध में पंजाब में तनख्वाहों के नाम पर इनके जो पुराने वाजबा तक अदा कर दिए गए आई एम एफ का सारा कर्जा इन्हीं के अल्लाह तौल्ह में चले जाना था किसी ने छोटी करवानी है सर्जरी किसी ने बड़ी करवानी है सर्जरी किसी ने प्लास्टिक लगवाना है अब ये सारे मामला आई एम एफ़ की इमदाद से आते हैं इमरान खान दो हज़ार बाईस में भी मंजूर ना करता लेकिन उसको ये लेबल लगाना चाह रहे थे कि तहरीक इंसाफ मुल्क की गद्दारी कर रही है मुल्क के मफाद में गारंटी नहीं दे रहे तो इमरान खान ने मुल्क के मफाद में देख के देख लिया अब अब खान ने साफ ऐलान किया ये को हाथ लेके बता दिया है कि ये मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी गैर इखलाक गैर जमुरी है अवाम के मैंडेट को ज़बरदस्ती छीन कर दिन दिहाड़े डाका मार के नाजायज़ हकूमत है बनारसी ठगोर अमृतसर के चोरों का मिलाया हुआ एक टोला है तहरीक इंसाफ इनके कर्जों का कोई हिस्सा नहीं बनेगी उनको लूट मार के लिए जो आप पैसे देंगे आलमी मीडिया भी देखें फिच की रेटिंग मैंने आपको कल भी बताई ये मोहदा इस वक्त बड़े शदीद ख़तरे में है फाइनेंशियल टाइम्स में भी इसका जिक्र है पूरी तफसील है न्यूक्लियर के डर से हो सकता है फिर भी वो दें कुछ ना कुछ आई एम एफ तो वो ये याद रखें जिस तरह लेटिन अमेरिका में उन्नीस सौ सत्तर और अस्सी में जो रिसेशन आई और उसमें आई एम एफ की जितनी इमदाद थी वो सारी डूब गई ब्राज़ील को दी मैक्सिको को दी वो सारे गुर्बत की वजह से उन्होंने कहा गुरबत खत्म करो वो खा गए अब आई एम एफ को यह पैसा भी इसी तरह ही डूबेगा लेकिन जैसे मैंने कहा न्यूक्लियर हथियार हैं ब्लैकमेल करेंगे कि पैसे नहीं देंगे तो हम बेच देंगे तो फिर ये शायद डर के कुछ ना कुछ आइए मैं मदद करेगा लेकिन उसके अलावा ये काबू नहीं आ सकते लोग यकीन करें कि बच्चों की यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें जाती हैं आईएमएफ आई एम एफ से पाकिस्तानी अवाम ख़ुद बग़ैर किसी हदायत के अब सोशल मीडिया पर आई एम एफ को आई पब्लिक अफेयर्स एट आई एम एफ डॉट ई मेल कर रही है इलेक्शन की फ्रॉड धांधली मैंडेट चोरी इंसानी हकूक जमूियत की तबाह बर्बादी का जिक्र कर रही है आई एम एफ का रिस्पॉन्स है हमारा आपकी सियासी तलक से कोई वो मसले से कोई तलक नहीं लेकिन सर्जरियों हेलीकॉप्टरों के और महंगे प्रोजेक्ट के पैसों से तलब तो है आप मुंतब हुत के अलावा अगर किसी को पैसे देंगे तो फिर जाहिर है वापसी तो इमरान खान ने करनी है ये टेक्निकल वजह है यह पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है यह पैसे लेना और यह जो आई एम एफ का प्रोग्राम है ये आवाम को मजीद तबाह की तरफ की बर्बादी की तरफ लेके जाता है देखिए कुछ महीनों का यह प्रोग्राम लेते हैं उसके बाद उसको उड़ा के फिर मिन्नत समाज से फिर वही काम कर्ज़ लेना बुरी बात नहीं लेकिन वो कर्ज इस्तेमाल का होता है कर्ज़ लेके जुआ खेल जाए आप उसका सूद आपकी औलाद देती रहे तो ये इन हालात में मुनासिब नहीं है इसलिए पाकिस्तानी कौम आई एम एफ से रबता कर रही है और इनके प्रोग्रामों में कभी खुशहाली नहीं आई यकीन करें अब मिस्र में देख लें आई एम एफ ने डॉलरों की बरसात कर दी मिसा फिर भी दिवालियापन के करीब हालाँकि और पाकिस्तान पच्चीस दफा ले चुके हैं आज भी दिवालियापन के करीब तनख्वाहें और पेट्रोल के खर्चे और शरफा के इन प्राइवेट जो मामलात हैं सुएँ उनके अलावा कोई मामला नहीं अभी बिजली घरों में देख लें खरा पति लोग बन चुके हैं डी एच ए देखें बैरिया टाउन प्रॉपर्टी माफिया ये सारा उधर से आए अब पहले मीशत का जो बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड स्मगल माल आता है वो आई एम एफ सारा उधर माल उधर से खरीदने में चला जाता है आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं और टैक्सेस का सारा बोझ आवाम के ऊपर मतलब दुख जेले भी फाख्ता को वे अंडे खा जाए किसान को मज़दूर को आई एम एफ़ के प्रोग्राम में कोई फ़ायदा कभी नहीं हुआ तो ये जो आई एम एफ़ का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं इसमें देखें ये तमाम असासे गिरवी रखेंगे बिजली गैस महंगी करेंगे और तबाही बर्बादी आपकी निकालेंगे इसीलिए इसकी मुखालफत करें और इसको ई मेलें करें बेशक अच्छा जो पीपल्स पार्टी के सहा पर डॉक्टर महीब पिर ने बात की कुछ और मज़दीद नेानशवर भी बात करें कि खान को पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए इतहाद करना चाहिए हुकूमत बना लेनी चाहिए अपने ऊपर ये मसाइल ख़त्म करें वरना हैं वर्मा मार्शल आ जाएगा देखिए इमरान खान की जो जदोजहद है उसका मकसद इकतदार नहीं है अगर इसका मकसद इकतदार होता तो फिर आप समझ लें आप नाकाम हो चुके हैं क्योंकि मैंडेट में डाका मार के ज़बरदस्ती इकतदार तो आपसे ले गए अब इमरान ख़ान की जद कानून की बालादस्ती की हुक्मरानी अवाम के ज़रिए और इंसाफ के हसूल ये वो पॉइंट हैं जो पाकिस्तानियों को समझना कि आले शरीफ और जरदारी का पाकिस्तान नहीं ये ज़बरदस्ती के मैंडेट चीन की हुकूमत बनाने से ख़ान की जदोजहद ख़त्म नहीं हुई ईस्ट इंडिया कंपनी अगर फतः याब हुई तो ये लोग जदोजहद के नज़रिए से वाकिफ ही नहीं हैं अब माजर के साथ डॉक्टर मोद साहब को ऐसी बात ही नहीं करें सोचना भी नहीं चाहिए था कि मौजूदा अकतदार सिर्फ इस वजह से स्टैबलिशमेंट से सत्रह को एक सौ सत्तर नशस्तें और पी, पीपल्स पार्टी की तीस से अस्सी करना एम के ओ को एक सीट से अठारह बनाना आज पाकिस्तान में अगर खान मुर्शदा चौबीस करोड़ आवाम खड़ी है तो वजह इस इकतदार को खान ने ठोकर मारी अपने हाथ से दो समितियां तोड़नी और डेढ़ सौ ज्यादा नश्तों में इस्तीफ़ा दिया आवाम के पास आया तो डॉक्टर साहब से दरख्वास्त है कि सोच लिया करें कि खान अगर इलेक्शन से पहले आसफ़ जरदारी से हाथ में लाता है इतहादी करता तो ये नशस्तें मिलती क्या पाकिस्तान की कौम ने जो आग और खून का दरिया पार करके वोट डाला है आज वो बिलावल जरदारी शहबाजी मरीम के साथ इमरान खान बैठ जाए बाकी का मुझे नहीं पता मैं तो कम अस कम शे दोबारा नाम भी न लूँ वजह इमरान खान का ख़ुद वड़ा इखलाकी एतबार कानूनी एतबार जमुरी एतबार का वो स्टैंडर्ड है वो बार है वह मैार है अब उस मेयार से नीचे हम भी नहीं सोच सकते पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाना इमरान खान को मिलना क्या था आप जरा सोचें डॉक्टर साहब को पूछना चाहिए मकबूलियत चाहिए अवाम में तो वो मकबूल भी नहीं पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखने वाली जमात है क्या उनके पास पाकिस्तान के सारे वोट हैं क्या उनकी सियासत असूलों की सियासत है क्या वो सिर्फ अकतदार के लिए नहीं लड़ रहे क्या नून लीग और वो सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ नहीं करते उनके साथ बैठने का नुकसान है तो ये डॉक्टर साहब हो गया इनके साथ बागीशर कहते हैं मारशा लग जाए तो खान से तो ये पूछा था खान ने तो कहा लगा लो मार्शल आ लगाना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग तो पहले भी इस मार्शल आ रहे हैं इसमें क्या पाकिस्तान में मार्शल आट नहीं है क्या पाकिस्तान की आवाम आज़ाद है डॉक्टर मोहित प्रजादा शहबाज गिल वजाद साबिर शाकर समेत मेरे समेत क्या हम पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं इमरान रियाज आज़ाद इससे बड़ा और मार्शल क्या होगा जब आप अपने मुल्क में नहीं जा सकते अपने मुल्क में रहने वाले पंजाब वाले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जाकर जमानते करवाते हैं ये आसिफ जरदारी शहबाज शी मरीम नवाज़ बिलावल इनकी फैसला साजी इनका मुल्क बना हुआ है सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने के लिए घरों को तबाह करने के लिए गुलू बटों को इस्तेमाल करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है फिर वो डॉक्टर साहब मिस्र की मिसाल दे रहे थे देखें मिस्र में भी एक वहां पर डिक्टेटर जो है वो फलस्तीन के तनाजे में खुलकर मदद कर रहा है अब अकाम मुतहदा उनकी जो पिछली सारी हमायत आप देख लें और मिस्र का और पाकिस्तान का दोनों का अगर कंपेरिजन करें सर मीशत का तो मिस्र के पास तो अभी भी चौबीस अरब डॉलर पड़ा हुआ है पाकिस्तान के पास आठ अरब तीन गुना हमसे ज्यादा है तो ये मिसाल नहीं बनती पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान के लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए देखें इलेक्शन से पहले सिर्फ तहरीक की बका की सलामती की जंग थी वो तरीकान साफ जीत गई है पहले से ज्यादा मजबूत है के पी में आपकी पूरी हुकूमत है चारों असम्बलियों में तरीकान साफ मौजूद है सैनट में इनशाला हो सकता है कि अक्सरीत भी हो जाए लेकिन आपको जंग का तरीकाकार बदलना होगा अब सोशल मीडिया और इंटरनेट पर होगा इसम्बली में भरपूर ताकत लगाएं और बाकी तमाम अपने दिमाग और होश से काम लें हो सकता है आपको सड़कों पर निकलने की जरूरत ना पड़ी या आई एम एफ जैसी डील्स कैंसिल करवाएं उसकी मुखालफत करें इन्हें नाकाम करें करेंगे लेटते हुए नजर आएंगे बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है आने वाले दिनों में होती नजर आएंगी लेकिन जो लोग मुझे थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं और मैं तो इस तरह देखता हूँ जब मेरी आवाज़ कम लोगों तक पहुँचे तो मुझे अंदाजा हो है लोग मायूस हैं उदारा मायूसी के बाद से निकले इतना कोई मसला नहीं आज जुम्मे का दिन है इन अल्लाह ताला बेहतरी करेगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैंने आपको पहले बताया लंबी लड़ाई है थोड़ा हौसला करें अगले बीलाफ तक ले मुझे इजाज़ दें अल्लाह